आप लोग आ चुके हैं, जल्दी से आइए, क्लास स्टार्ट होती है। आज ऐसे ही आपको स्लाइड पे बताएंगे, ठीक है। इसमें जो है डायग्राम अच्छे से भी आपको समझ में आ जाएंगे, और इसी का मैं पीडीएफ नोट्स भी सेंड कर दूंगा, और हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसको भी सेंड कर दूंगा। तो मेनली अगर बात करें रिक्सिया की, तो मार्केन सीएलएस ऑर्डर में रिक्सिया आता है, आपको पता ही होगा। इसकी एपिकल ग्रोथ, इंटरनल स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे हम। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दो थे, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसको आज के क्लास में हमने कवर किया था, ठीक है। जो लोग देखे होंगे तो उनको पता है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। राजीव कुमार, गुड इवनिंग, सब लोग आ चुके हैं लगभग। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन, श्रेया सिंह भी आ गई हैं, तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हिंदी में कायिक प्रजनन बोलते हैं, वो क्या होता है, एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसमें सिंगल एक प्लांट या थैलस डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसी को बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन। जो ब्रायोफाइट होते हैं इसमें काफ़ी विकसित सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी और फंजाई पढ़े थे, उसमें इतने ज़्यादा विकसित जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स, वो ज़्यादा डेवलप नहीं थे। लेकिन ब्रायोफाइट की बात करें तो इसमें काफ़ी डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन होते हैं। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोन एज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसको बोलते हैं हम एंथ्रीडिया। ब्रायोफाइट की क्लास में मैंने पहले इससे डिस्कस कर लिया है, कई बार बताया है आपको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के बारे में। एंथ्रीडिया जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्किगोनिया ये क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, अब रिक्सिया की बहुत सारी स्पीसीज जिसमें एक ही थैलस पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। रश्मि पांडे, सेक्सुअल स्ट्रक्चर विजिबल, ये स्ट्रक्चर, चलो स्ट्रक्चर भी अभी विजिबल होगा, दिखेगा अच्छे से। दिख रहा है अच्छे से, तो इसमें क्या होता है, ऐसे रिक्सिया की स्पीसीज जिसपे एक ही थैलस पे, इधर हम देखते हैं कॉपी पे समझते हैं, मान लो रिक्सिया का ये थैलस था, ठीक है, इस तरह से रिक्सिया का थैलस होगा जिसमें डाइकोटोमसली ब्रांचिंग पाई जाती है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग मतलब जितनी भी ब्रांच होंगी वो दो पार्ट में डिवाइड होती नजर आएंगी। अब दूसरी जो इसकी होगी, देखो इस तरह से, अब यहाँ से एक ब्रांचिंग दो, तो यहाँ भी दो में डिवाइड हो गई, और ये आगे जो गई वो भी दो में डिवाइड हो गई। अब मान लो एक ही पे, मान लो यहाँ पे एंथ्रीडियम ग्रो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आर्किगोनियम, या यहीं पे आर्किगोनियम, तो जब सेम थैलस में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आर्किगोनिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों सेम थैलस पे जब ग्रो करेंगे, तो उस थैलस को, उस स्पीसीज को हम नाम देते हैं होमोथैलिक, होमोथैलिक, या और उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस, मोनोसियस।
अब इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पीसीज आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी होमोथेलिक और मोनोसियस होती हैं, कौन सी हेटरोथेलिक और डायोसिस होती हैं। मान लो एक दूसरा था थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एंथेरिडियम था केवल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल नहीं था, एक पे फीमेल था मेल नहीं था, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेटरोथेलिक, हेटेरोथेलिक कंडीशन, और इसको क्या बोलते हैं डायोसियस, डायोसियस कंडीशन। तो हेटरोसियस डायोसियस मतलब जब थैलस पे केवल मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, दो में से कोई एक होगा, और होमोथैलिक या मोनोसियस का मतलब जब दोनों एक पे ही प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम थैलस पे होंगे, तो उसको होमोथैलिक या मोनोसियस नाम दिया जाता है। तो रिक्सिया की देखो, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, जनरली मैक्सिमम स्पीसीज इसकी कैसी होती हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस होती हैं। कौन कौन सी स्पीसीज हैं, रिक्सिया मिलेनोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टेलिना, रिक्सिया क्रोसियाटा, रिक्सिया पैथेंकोटेंसिस, रिक्सिया ग्लूका। रिक्सिया ग्लूका बताया था ना इससे पहले क्लास की हो गया आज वाली, तो मैंने बताया था ग्लूका में राइजॉइड के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसका जो राइजॉइड होता है रिक्सिया ग्लूका का, इस राइजॉइड के थ्रू भी क्या हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये स्पीसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिक्सिया रोबस्टा, ये इतनी स्पीसीज हैं जिनमें जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सेम थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही थैलस पे दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, इसलिए इसको हम होमोथैलिक और मोनोसिस बोलते हैं। इसका मैं आपको PDF फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम जो लोग नहीं जानते हैं, BSC वर्ल्ड अमर सिंह नाम से है, जिस नाम से चैनल है यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इसका डायग्राम जो है इसमें से और पूरा PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, हैंड रिटन नोट्स जो हैं उसको भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस समझते जाओ, क्योंकि आप होमोथैलिक मोनोसिस से अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, ठीक है। हालांकि लिखा है दैट इज़ दे बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम थैलस, इसको बोलते हैं मोनोसिस और होमोथैलिक। कुछ इसकी स्पीसीज हैं, सम स्पीसीज रिक्सिया डिसकलर, रिक्सिया संगुइनी, रिक्सिया फ्रोस्टाई और रिक्सिया परसोनाई, और हेटरोथेलिक और डायोसियस। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इसकी स्पीसीज ऐसी हैं धुंधला दिख रहा है, नहीं भाई अच्छा तो दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लो, धुंधला नहीं दिखेगा, धुंधला दिख रहा है, अगर धुंधला दिख रहा है तो जल्दी से बताइए, मैं कुछ उपाय करता हूँ, क्योंकि दिखना अच्छे से चाहिए तभी तो समझ में आएगी चीज़ें। तो ये इतनी स्पीसीज जो हैं, चार स्पीसीज जो कि हेटरोथेलिक और डायोसियस होती हैं, कैसी होती हैं डायोसियस, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग थैलस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड इन दीज स्पीसीज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बर्न ऑन डिफरेंट थैलाई, ठीक है। एज द थैलस मेच्योर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप्स ऑन द डोर्सल सरफेस इन एक्रोपिटल सक्सीजन। अभी एक्रोपिटल सक्सीजन का होता है, इसका मतलब ये होता है, आप फंजाई में पढ़े होंगे एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो में जो कोनिडिया होती हैं वो एक्रोपिटल सक्सीजन में अरेंज होती हैं। एक्रोपिटल जो सक्सीजन होता है, इसका मतलब ये होता है जो पुरानी चीज फॉर्म हुई, जैसे कि कोनिडिया बनते थे तो ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लगते चले जाते थे, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सीजन। यहाँ पे देखो इस तरह से कोई चीज़ मान लो बन रही है, वो ऊपर ढेर लगता हुआ जा रहा है, इसको एक्रोपिटल सक्सीजन बोलते हैं। जो सबसे पुरानी चीज़ थी वो सबसे नीचे है, और नई चीज़ बनती गई तो वो ऊपर बढ़ती गई, इसको बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हैं, शब्द हैं, इनका मतलब आपको आना चाहिए। द मेच्योर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द पोस्टेरियर एंड, मतलब मेच्योर, मेच्योर वही होंगे जो पहले बने होंगे, तो वो पोस्टेरियर एंड मतलब जो नीचे वाला एंड है, लास्ट वाला एंड, वहाँ प्रेजेंट होंगे,
एंड द यंगर टूवर्ड्स द अपेक्स ऑफ द थैलस, जो यंग होगा, यंग सेक्स ऑर्गन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो ऊपर प्रेजेंट होगा थैलस के। इन मोनोसियस स्पीसीज, जो मोनोसियस होती है मतलब जिसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, सेवरल अल्टरनेट ग्रुप्स ऑफ एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया अकर्स लॉन्ग द अलोंग द मिडरिब। अब किस तरह से बताया गया है इसमें, देखो ये रिक्सिया का प्लांट है, थैलस बॉडी है, इसमें इस तरह से मिडरिब होगी, मिडरिब होती है ना। अब इस मिडरिब के अलोंग एंथेरिडिया और आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं। अगर मोनोसियस प्लांट मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होंगे तो दोनों एंथेरिडिया आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे, अगर हेटरोथेलिक होगा डायोसिस तो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मिडरिप के अलोंग होंगे, मिडरिप के अलोंग ही ग्रो करते हैं। इन सम डायोसियस स्पीसीज, अगर बात करते हैं डायोसियस स्पीसीज की जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, रिक्सिया क्रस्टिसी या रिक्सिया क्रस्टिसाई, द सेक्स ऑफ द गैमिटोफाइट इज जेनेटिकली डिटर्मिनेटेड टू स्पोर्स ऑफ अ टेट्राड गिव राइज टू मेल थैलाई एंड द अदर टू ऑफ फीमेल थैलाई। अब यहाँ पे एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहला हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथेरिडियम क्या होता है। अब एंथेरिडिया और एंथेरिडियम को समझो, जो एंथेरिडिया होता है, एंथेरिडिया होता है सेक्स ऑर्गन का नाम, मेल सेक्स ऑर्गन, और वहाँ पे बनते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम क्या है, मेल गेमीट होता है, क्या है, मेल गेमीट का नाम होता है, ठीक है, मेल गेमीट एंथेरिडियम। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, द मैच्योर एंथेरिडियम इज अ ग्लोबुलर। अब ये फीचर आपको याद रखने हैं, ग्लोबुलर होता है, कैसा होता है, गोल होता है राउंड शेप में, ग्लोबुलर, ओवल और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड, कहाँ पे धसा होता है, यहाँ पे देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको दिखेगा, ये एक एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बुक का पीडीएफ आपको जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है बुक से भी मैं आपको दे दूंगा और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें देखो जो थैलस स्ट्रक्चर था, जो इससे पहले वाली आज की क्लास आप किए होगे तो आपको पता है मैंने दो रीजन बनाए थे। जब थैलस को हम कट करते हैं तो उसका जब एनाटोमी देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो ऊपर का पार्ट हमको दिखता है फोटोसिंथेटिक रीजन, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बने हुए हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और ये क्या है, एंथेरिडियम अंदर ग्रो कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एंथेरिडियल चेंबर, जिसके अंदर ये बना हुआ है एंथेरिडियम, इसको बोलते हैं एंथेरिडियल चेंबर, और नीचे ये क्या है, स्टोरेज रीजन, नीचे स्टोरेज रीजन है, जो व्हाइट और खाली सेल्स दिख रही हैं, जो ऊपर सेल्स ये हैं फिलामेंट हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा भरा होता है, बहुत सारा क्लोरोफिल भरा होता है। अगर हम बात करते हैं और इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक जो रीजन होता है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो होते हैं, इसमें एयर स्पेस और एयर चेंबर प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे खाली जगह आपको यहाँ यहाँ खाली जगह दिख रही होगी, बाकी यहाँ पे जहाँ स्टोरेज रीजन, यहाँ किसी भी प्रकार का इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं सेल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यही एंथेरिडियल चेंबर है, इसके अंदर एंथेरिडियम ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एंथेरिडियल केविटी है, ये एक सिंगल एंथेरिडियम के ग्रो को दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कैसे वृद्धि कर रहा है, वो यहाँ पे एंथेरिडियम ग्रो कर रहा है, ये जैकेट होता है, वन सेल्ड थिक जैकेट होता है एंथेरिडियम के ऊपर, इसके अंदर एंड्रोसाइट बनेंगे, क्या बनेंगे, एंड्रोसाइट्स,
और ये स्टाल्क होता है जो कि काफ़ी रिड्यूस होता है। ये सारे एंथेरिडियम और आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं। तो एंथेरिडियम के अंदर क्या होता है, एंड्रोसाइट जो कि मेल गेमेट जैसे मेल गेमेट का काम करता है, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो एक सेकंड आप लोग रुकिए, अभी मैं देख रहा हूँ, बस एक सेकंड। कोई उपाय कर रहा हूँ मैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ, अभी देख रहा हूँ। देखो आप लोग एक काम करिए, इसकी क्वालिटी 360 या 480 कर लीजिए, अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है। 480 या 360 पे देखिए, बाकी मैं कल से और ज़्यादा कुछ सही करने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। बाकी दिख रहा है, मैंने दूसरे फ़ोन में भी देखा है तो थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा, लेकिन काम चल सकता है अभी। कल मैं व्यवस्था करूँगा दूसरे कैमरे की जिससे कि अच्छे से आप लोगों को देख सके, तो आप लोग उसकी क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे कि अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है। इस पूरे एंथेरिडियम में क्या होता है, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। एक जो सिंगल एंथेरिडियम होता है उसमें एक एंथेरिडियल केविटी होती है, ये क्लोरोफिल से भरी हुई सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स जिसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं, ये दोनों ओर से ऊपर इस तरह से आए हुए रहते हैं, ठीक है। बीच में कैविटी है और यहाँ पे ग्रो करता है क्या है, ये एंड्रोसाइट जो कि मेल गेमिट है। क्या है, मेल गेमिट। जैसे कि जो पुष्पी प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें जैसे पोलन ग्रेन होता है, सेम पोलन ग्रेन के जैसे काम करता है एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट्स में बहुत ज़्यादा भी डिवीजन होगा, ठीक है, तो एंड्रोजॉइट्स बन जाते हैं। ये वन सेल थिक लेयर होती है ऊपर, जिसको बोलते हैं जैकेट, ठीक है। ये इसके ऊपर जैकेट चढ़ा हुआ है और छोटा सा, बहुत ही छोटा रिड्यूस स्टाल्क होता है यहाँ पे, ठीक है। ये स्टाल्क है जिससे कि ये जुड़ा हुआ है। ये रिक्सिया के मेल सेक्स ऑर्गन का वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन, VS। अब आगे अगर हम बात करते हैं किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे कई सारे आपको स्ट्रक्चर विजिबल हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे, ठीक है।
देखो जो फर्स्ट है एंथेरिडियल इनिशियल, एक सिंगल सेल किसी भी थैलस में जो एंथेरिडियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहाँ की कोई एक सेल थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा खींच लेती है और फूल जाती है, उसको बोलते हैं हम एंथेरिडियल इनिशियल, एंथेरिडियल इनिशियल। इसके बाद में क्या होता है, ये इसमें डिवीजन होगा, विभाजन होता है, विभाजन के बाद दो सेल बन जाती है, बाकी आसपास की सेल्स वैसे ही रहेंगी सेम। एंथेरिडियल इनिशियल में डिवीजन होगा, डिवीजन से क्या होगा दो सेल बनेंगी, उसमें से जो नीचे सेल होती है उसको हम बोलते हैं एक को बेसल सेल और एक को बोलते हैं आउटर सेल। अब आउटर सेल जो होती है ये फर्दर डिवाइड करती रहती है और ये डिवाइड करेगी, इससे बनेगा प्राइमरी एंथेरिडियल सेल, और जो साइड की सेल्स हैं ये भी साथ साथ डिवीजन करेंगी और इसमें बनेंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ये प्राइमरी स्टाल्क सेल है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी स्टाल्क सेल बनी है जो कि रिड्यूस स्टाल्क बनाएगी, और ऊपर वाला ये जो है क्या बनाएगा एंथ्रोजॉइड्स बनेगा। किस तरह से एक एंथ्रोजॉइड या एक एंथेरिडियम बनता है उसका प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। ये बेसल सेल है और साइड में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिसमें क्लोरोफिल भी भरा हुआ है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बनाएंगे। कैसे, इसमें बराबर कंटिन्यू डिवीजन चलता रहता है और डिवीजन से ये बड़े बड़े फिलामेंट बन जाते हैं, और बीच में जो एंथेरिडियल इनिशियल था वो डिवाइड किया और क्या बनाया एक बेसल सेल एक आउटर सेल, फिर बाद में और ज़्यादा इसमें डिवीजन होते रहेंगे और धीरे धीरे प्राइमरी एंथेरिडियल सेल बन गई। ये टेट्राड आपको दिख रहा है क्योंकि अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से इसका डेवलपमेंट होता है, कुछ में टेट्राड बनते हैं तो इस तरह से टेट्राड का फॉर्मेशन भी होता है। अब यहाँ पे देखो और ज़्यादा जब मैच्योर होगा तो इस तरह से इसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट बन चुके हैं और बीच में देखो एंड्रोगोनियल सेल्स बन गई हैं, ये है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। इसमें जैकेट जो स्टाल्क सेल है और यहाँ पे देखो प्राइमरी जैकेट सेल हैं, यही और ज़्यादा आगे डिवाइड करेंगी और क्या बन जाएगा इससे बहुत सारे वन सेल्ड, बहुत सारी सेल अरेंज हो जाएंगी इस तरह से राउंड शेप में और एक जैकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जैकेट क्यों होता है, ताकि जो एंड्रोगोनियल सेल्स हैं एंड्रोसाइट्स के अंदर ये सुरक्षित रहें, तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। फिर यहाँ पे एंड्रोसाइट मदर सेल होती हैं बहुत सारी, अब आगे इसी तरह से इसका विभाजन होता जाता है। अब एक जितने इसमें चेम्बर आपको दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे खाने दिख रहे हैं एंड्रोसाइट मदर सेल, हर एंड्रोसाइट मदर सेल से चार चार एंड्रोजॉइट्स या एंड्रोसाइट बन जाते हैं जो मेल गेमीट का काम करते हैं। तो जितने इसमें आपको खाने छोटे छोटे दिख रहे हैं सबसे डिवाइड करके क्या बनने वाले हैं एंथ्रोजॉइड बनेगा, और एंथ्रोजॉइड क्या काम करेगा मेल गेमीट का काम करेगा। तो यहाँ से एंथ्रोजॉइड डेवलप होंगे, आपको एक एंथ्रोजॉइड दिखाया गया है, यहाँ पे देखो एंड्रोसाइट सेल्स है, ये ब्लीफेरोप्लास्ट। अब ये ब्लीफेरोप्लास्ट क्या दिखा रहा है, आपने अगर युगलिना का अच्छे से स्ट्रक्चर देखा होगा तो युगलिना में क्या होता है एल्गी और युगलिना में ब्लीफेरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ये बताता है कि अलग अलग ओरिजिन हुई है। ब्रायोफाइट जो है, रिक्सिया क्या है एक ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइटा की जो ओरिजिन है वो किस तरह से हुई है, कहाँ से हुई है एल्गी से हुई है, तो ये अलगल एवोल्यूशन को दिखाता है ब्लीफेरोप्लास्ट। अब हालांकि आप ये सारी चीज़ें बुक से पढ़ सकते हो लेकिन यहाँ पे दिक्कत आई है। अब ये ब्लीफेरोप्लास्ट इससे क्या इंडिकेट होता है, ये इंडिकेट करता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी ओरिजिन एल्गी से हुई है, सेवाल से हुई है, ग्रीन एल्गी से हुई है। तो जैसे ही हमको ब्लीफेरोप्लास्ट यहाँ पे दिखेगा इसका मतलब यही है कि ये एल्गी से इवोल्व हुए हैं, इनका विकास जो है ब्रायोफाइट्स का वो एल्गी से हुआ है। ब्लीफेरोप्लास्ट बढ़ता जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसका, उसका भी जो है न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, सेल राउंड शेप में आ गई है। फिर देखो ये सेल किस तरह से, इस तरह से सर्पिलाकार में आ गई है, और ये फ्लैजिला दो इसमें होते हैं एंथ्रोजॉइड्स में, और ये बाद में डीजनरेट भी हो जाएंगे, ये जो फ्लैजिला हैं डिटैच भी हो जाएंगे आगे देखना भी, और इस तरह से फाइनली मैच्योर एंथ्रोजॉइड ये तैयार हो गया है, ठीक है। तो एक एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट है ये, आपसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा तो ये सब कुछ इसमें समझाना पड़ेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं हम आर्किगोनियम की, जिसमें आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन होगा, उसके बीच में फर्टिलाइजेशन। अब आर्किगोनियम जो होता है, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेच्योर आर्किगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड, कैसे होती है, फ्लास्क शेप होती है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। देखो ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होता है, देखो ये फ्लास्क बना हुआ है, जैसे कि आप वो जाते होगे एक्सपेरिमेंट करने केमिस्ट्री का, तो फ्लास्क यूज करते होगे, ये फ्लास्क बना हुआ है, इसमें बीच में सेंटर में एग सेल होती है, इसी से एंथ्रोजॉइड फर्टिलाइज करेगा आके, जो अभी आपने एंथ्रोजॉइड बनाया एंथेरिडियम के अंदर, वो एंथ्रोजॉइड वाटर के थ्रू इसी के अंदर आएगा, इंटर करेगा और किससे फ्यूज करेगा, ये जो बीच में सेंटर में एग है आर्किगोनियम के अंदर एग, इससे फर्टिलाइज करेगा और क्या बन जाएगा, न्यू थैलस का फॉर्मेशन, जायगोट बनेगा, फिर जायगोट में डिवीजन होंगे बहुत सारे, डिवीजन के बाद में न्यू थैलस बनाएगा। तो ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है, किस तरह से आर्किगोनियम देखो थैलस पे होता है, ये थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसीलिए जो क्लास होती है वो पूरी कंप्लीट करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आज क्लास करवाया था उसमें बताया था कि जब इसका हम थैलस को काटते हैं तो दो रीजन दिखते हैं, फोटोसिंथेटिक और नीचे जो वेंट्रल साइड होता है स्टोरेज रीजन। तो इसमें देखो ऊपर का जो पार्ट है थैलस पे ही जो डोर्सल साइड होता है, ये ऊपर वाला जो हरा हरा दिख रहा है ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है थैलस की। तो डोर्सल साइड में क्या होता है, आर्किगोनियम ग्रो करता है, आर्किगोनियम इसमें एक एग सेल है सेंटर में, ठीक है, और क्या होता है ये वेंटर है, ये जो फ्लास्क बनाए हुए है इसको बोलते हैं वेंटर, ये जो ग्रीन कलर का फ्लास्क शेप में है, और लास्ट में नीचे एक स्टाल्क जो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है स्टाल्क, ये कैनाल सेल हैं, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, आर्किगोनियम, ये यहाँ भी आर्किगोनियम, इसी को यहाँ पे लार्ज करके दिखाया गया है, ऊपर नेक होता है और कवर सेल। इसका स्ट्रक्चर अगर मेरी क्लास आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट लेक्चर जो था ब्रायोफाइट्स का, इस यूनिट का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, तीन लेक्चर तक मैंने आर्किगोनियम और एंथेरिडियम के बारे में डिटेल में बताया है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्लास में ही चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, अच्छे से ब्रेन में सेट हो जाएंगे ये स्ट्रक्चर, तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए जब रेगुलर क्लास आप साथ साथ करते रहोगे तो इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि लास्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने देखो बहुत ही देर में स्टार्ट किया था यूट्यूब पे पढ़ाना, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, अभी भी क्लासे ले लेता हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो कभी कभी जाके ले लेता हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे साथ पढ़ने में। आप लोग भी अगर ऑफलाइन होते तो कुछ अलग ही माहौल रहता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली बात ये है, आप लोग अभी साथ साथ एक एक क्लास करते रहोगे तो मान लो मैं जितना बता रहा हूँ समझा रहा हूँ उसमें से कुछ परसेंट तो आपको चीज़ें समझ में आ ही रही हैं, है ना, और जनरली जितनी बता रहा हूँ सब समझ में आ रही हैं। तो इससे क्या होगा, लास्ट समय पे जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे इतना परेशान थे सर कुछ बता दो ऐसा फंडा जो हम पास हो जाएं किसी तरह से, हालांकि ऐसा नहीं कि सब बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़े थे, आप लोग पढ़ने वाले इसीलिए तो लाइव पढ़ रहे इतने टाइम, क्या इतने ही बच्चे थोड़ी ना बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन वो सब सबका अपना अपना सिस्टम है। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो वो गौर करते हैं, किसी भी कंडीशन में रह के पढ़ लेते हैं, किसी दिन में हम अपने बारे में आपको 10 मिनट लाइव आके बताएंगे संघर्ष की कहानी कि किस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जो है आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए घर रह के भी, बाहर जो पढ़ने नहीं जा सकते हैं उनको बाहर वाली चीज़ें घर ही मिलनी चाहिए, इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ। और आप लोगों को मैं तीनों सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, लास्ट तक कंप्लीट कराऊँगा सिलेबस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन आपको रटवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम देने भेजूँगा और नंबर एकदम टॉप आएंगे, ठीक है, टॉप इस बार किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बच्चा करेगा तो लास्ट तक अगर जुड़ा रहा तो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ बच्चा ही टॉप करके आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है।
क्योंकि बीएससी की जो यूट्यूब पे क्लासें बहुत सारी चलती हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा 10 मिनट 15 मिनट में बस वो अपना इंट्रोडक्शन ही देने में 5 मिनट उनको 10 मिनट लग जाते हैं, और बाद में उसके बाद में क्या करते हैं 4-5 मिनट इधर उधर से बस दिखा दिए एक दो स्लाइड, और बढ़िया से अच्छे से जिस तरह से लेक्चर होने चाहिए उस तरह से नहीं चल रहे हैं। और मेरे पास थोड़ी फैसिलिटी कम है, इसलिए हमें कभी इस तरह से पढ़ाना पड़ता है, कभी किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। एक दिन लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई थी लास्ट में, आप लोग देखे होंगे। खैर, हम स्टार्ट करते हैं आर्किगोनियम। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना, मेच्योर आर्किगोनियम इज अ फ्लास्क शेप, फ्लास्क शेप होती है। स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द आर्किगोनियल चेम्बर बाय ए शॉर्ट मल्टी सेलुलर स्टाल्क। देखो शॉर्ट लिखा है, मतलब बहुत ही रिड्यूस और शॉर्ट होता है इसका स्टाल्क। इट इज डिफरेंशिएटेड इंटू बेसल सोलन विंटर एंड एन अपर इलोंगेटेड एंड नैरो नेक। जो बेस का होता है, जो नीचे वाला पार्ट है विंटर, और ऊपर का ये जो पार्ट है जो एक कैनाल बन रही है, इसको क्या बोलते हैं, नेक। तो ये आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला विंटर और नेक। विंटर मतलब जो नीचे का फ्लास्क शेप्ड पार्ट है, सोलन मतलब फूला हुआ, बेसल आधार का भाग, और ऊपर का जो कैनाल जैसे है उसको नेक बोलते हैं। द नेक इज कंपोज्ड ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स एंड ईच रो हैज 6 to 9 सेल्स। इसमें 6 से 9 सेल जो ऊपर वाला टॉप वाला कैनाल है उसमें हो सकती है। विद इन द नेक लाई अ यूनिसेरिएट रो ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स। इसके अंदर जो ये लगभग 8, 6 से 9 सेल्स तक इसका कैनाल हो सकती है, इसके बीच में लगभग 4 to 6 सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 6 से ऊपर भी हो सकती हैं, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें देखो जनरल हैं, ये किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए नहीं है। अब रिक्सिया तो जीनस है, रिक्सिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, सब में थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफरेंट होते हैं सब में, लेकिन जनरली बोला जाता है कि ऐसे ही प्रोसेस होते हैं। अब कुछ स्पीसीज में अलग भी हो सकते हैं। द विंटर इज सराउंडेड बाय अ 1 सेल थिक जैकेट, इसमें भी जैकेट होता है 1 सेल। इट हैज अ लार्ज नेकेड एग और ऊ स्फीयर। जो एग है इसका राउंड शेप ओवल शेप, उसको हम ऊ स्फीयर भी बोलते हैं। एंड अ स्मॉल विंटर कैनाल सेल, ठीक है। तो इसमें स्मॉल विंटर कैनाल सेल एक है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जनरली इसको थोड़ा इस तरह से दिखाना चाहिए था, इसमें डायग्राम विंटर कैनाल सेल, और ये क्या है, इग सेल है। तो इग सेल जिसको हम ऊ स्फीयर भी बोलते हैं, यही इग सेल मेल फीमेल गैमेट का काम करता है। किसका, फीमेल गैमेट जैसे काम करेगा, और मेल गैमेट जो एंथ्रोजॉइड्स इससे पहले अभी हम लोग फॉर्म किए थे, उस एंथ्रोजॉइड वाटर के थ्रू इसमें आएगा और यहाँ से इंटर करेगा और क्या बनाएगा, फ्यूज करेगा और बन जाएगा जाइगोट। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन के रिक्वायर्ड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वाटर। जब तक वाटर नहीं प्रेजेंट होगा तब तक एंथ्रोजॉइड इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये है तो टेरेस्ट्रियल, धीरे धीरे एल्गी तो वाटर में रहती हैं। अब एल्गी से इनका इवोल्यूशन हुआ तो ये वाटर से कहाँ आ गए, स्थल पर आ गए। टेरेस्ट्रियल है प्लांट, लेकिन टेरेस्ट्रियल होते हुए भी वाटर पे डिपेंड होते हैं कम्प्लीटली, इसलिए मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं। जहाँ रेनी एरिया हैं, ज़्यादातर बारिश होती रहती है, उस एरिया में ग्रो करते हैं ताकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मिल सके। और जब तक वाटर नहीं मिलेगा, कोई स्पीसीज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही तो उसकी आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी। तो इसीलिए हिमालय पर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ताकि इनको इनकी रिक्वायरमेंट वाटर वाली कंप्लीट हो सके, मिल सके। तो इस तरह से वाटर के बिना इसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बात करें चाहे ब्रायोफाइट की या फिर टेरिडोफाइट की, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट से क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं, देखो वहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स बन गया और ये आर्किगोनियम के अंदर इग सेल बन गई। इसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें एंथ्रीडियम वाली तो मैंने बता दिया आपको एंथ्रोजॉइड्स, और इसका पीडीएम में सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ेंगे एक दो बार, आप भी रीड करेंगे, अच्छी बुक है ये,
सिंह पांडे जैन की बुक, ठीक है। इसमें पूरी चीज़ आपकी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बुक हैं, किसी में कोई पार्ट है, किसी में टेरिडोफाइट मिलेगा, किसी में जिम्नोस्पर्म, किसी में एंजियोस्पर्म, तो हर जगह से आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग बुक नहीं लेंगे फिर भी काम चल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश हर तरीके के जो है नोट्स, बुक वाले और हैंड रिटन सब मैं प्रोवाइड करूँगा, और बाकी क्लास तो बराबर चलती ही रहेगी। तो बात करते हैं जब हम फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज इट इज एसेंशियल फॉर, पहला द लिबरेशन ऑफ, लिबरेशन मतलब एंथ्रोजॉइड का बाहर निकलना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिबरेशन बोलते हैं, लिबरेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, जो एंथ्रोजॉइड्स बने थे एंथेरिडियम के अंदर उनका बाहर निकलना, उसी को बोलते हैं लिबरेशन फॉर द एंथेरिडियम। सेकंड है द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू द आर्किगोनियम। अब इसका मतलब क्या है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो है क्यों आखिर, उसको यहाँ पे समझो। इस तरह से एंथेरिडियम था और इसके आसपास क्या थे, फिलामेंट थे, ठीक है। इसमें एंथेरिडियल मदर सेल, एंड्रोसाइट मदर सेल जो थी, बहुत सारे जितने खाने होंगे सबसे डिवाइड करके चार चार एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। मान लो इसमें एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो गया, अब ये बाहर कैसे आए, मैच्योर हो गए, बन गए, इनका पूरा जितना प्रोसेस था, एंथ्रीडियल इनिशियल बना, फिर डिवाइड करके बेसल सेल बनी, बेसल सेल बनी और क्या बना, आउटर सेल बनी, ये सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है, और फाइनली एंथ्रोजॉइड्स इसमें तैयार हो गए, एंथ्रोजॉइड्स जो कि क्या है, मेल गेमीट है, मेल गेमीट का काम करेंगे, ठीक है। तो इनका फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन ये अब आर्किगोनियम तक पहुँचे कैसे, आर्किगोनियम की जो एग सेल है उसे फर्टिलाइज करने के लिए वहाँ तक जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टाल्क होगा इसका। तो इसमें जब वाटर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वाटर, जैसे मान लो एक डिब्बे में चीनी हो तो उसमें आप वाटर भर दो, और इतना ज़्यादा वाटर भरते जाओ कि चीनी, वो जब वाटर पूरा फुल हो जाएगा बॉक्स, तो चीनी उसमें से बाहर निकलने लगेगी। सेम वही प्रोसेस होता है, जब इसमें वाटर भरते रहोगे, भरता जाएगा तो इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट एंथ्रोजॉइट्स होते हैं, जिसमें डबल फ्लैजिलेट होते हैं, कैसे होते हैं, दो फ्लैजिला भी उसमें प्रजेंट होते हैं। इस तरह से अभी स्ट्रक्चर आप देखे थे एंथ्रोजॉइट्स का, इसमें दो फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला क्या करते हैं, वाटर में मूवमेंट कराते हैं, क्या करवाते हैं, वाटर में मूवमेंट। ये एंथ्रोजॉइड है, इसमें दो फ्लैजिला हैं, जैसे ही वाटर मिलेगा, वाटर की प्रेजेंस में ये फ्लैजिला से तैरते हुए यहाँ से एंथ्रोजॉइड जो हैं बाय फ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स निकल कर जो आर्किगोनियम होगा, आर्किगोनियम का एग होगा वहाँ पे, इस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में ये बनते हैं, तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे और एक सेल से क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब ये किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डीजनरेशन ऑफ नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल, इसके लिए भी वाटर रिक्वायर होता है। यूजुअली रेन और ड्यू वाटर एक्युमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर इन द डोर्सल फरो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, यूजुअली रेन में, जो रेनी सीजन है, रेन जब बारिश होती है, बारिश के टाइम में ज़्यादातर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और जो थैलस होता है, इसके कहने, इस सेंटेंस का मतलब ये है, जो थैलस होता है, ठीक है, थैलस के ऊपर ही आर्किगोनियम, और मान लो यहाँ पे आर्किगोनियम होगा और यहाँ पे एंथेरिडियम है, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, अगर मोनोसियस थैलस है तो, अगर डायोसियस थैलस होगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्लांट पे होंगे। ये है मोनोसिस थैलस। मोनोसिस थैलस में क्या है, मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही थैलस पे हैं, तो इसमें एक में मेल गेमेट बनेगा और फीमेल तक पहुंचने के लिए क्या होगा, रेनी सीजन में ये देखो जमीन से फ्लैट चिपके रहते हैं थैलस, तो जब बारिश होगी तो इसके थैलस पे थोड़ा थोड़ा पानी रुक जाएगा और उसी पानी के थ्रू तैरते हुए वो पहुँच जाएंगे आर्किगोनियम में। फ्लैजिला इसीलिए होता है और इसीलिए इनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है, चिपकी हुई, ताकि पानी जब बारिश हो तो इस पे पानी रुक सके। एक मतलब कटोरी के जैसे संरचना है, मान लो
समझ रहे हो, थैलस है जमीन से चिपका हुआ, जब ऊपर से बारिश होगी तो थैलस पे गिरेगा ही पानी, तो उस तरह से ये पहुंच जाते हैं कहाँ, आर्किगोनियम में। अब किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, एज द एंथेरिडियम मेच्योर्स एंड द एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथ्रोजॉइट्स, जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं जब एंथेरिडियम मेच्योर होगा तो जितने भी खाना थे उसमें चौखटा थे, एंड्रोसाइट्स मदर सेल थी, उसमें मॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण या मेचुरेशन बोल सकते हो उसी को, उससे एंथ्रोजॉइट्स बन जाएंगे और स्टेराइल जैकेट सेल्स ऑफ द एपिकल रीजन ऑफ द एंथेरिडियम आर सॉफ्टन बाई वाटर, दीज सेल्स इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट फॉर्मिंग अ पोर, द एंथ्रोजॉइट्स आर थ्रो आउट ऑफ द एंथेरिडियम बाई इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशनल मतलब, इम्बाइबेशनल का मतलब ये होता है कि अचानक से वो फटता है, इम्बाइबेशन समझते हो, चूसण जिसको बोलते हैं, चूस लेता है फिर अचानक से। मान लो वाटर किसी कोई सेल है उसमें वाटर खूब खींच के अंदर चूस लिया फिर अचानक से वो फट गई, इसको बोलते हैं इम्बाइबेशनल फोर्स लगता है उसमें, ठीक है। जब वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है, खींच के वाटर अंदर जाता है सेल के अंदर, तो वो फट जाती है उसको, और किस फोर्स से वो फटती है, उसमें एक फोर्स लगता है इम्बाइबेशनल फोर्स। दे फ्लोट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, जो डोर्सल सरफेस होता है ऊपरी भाग होता है उसी पे एंथ्रोजॉइट्स फ्लोट करते रहते हैं, और जैसे ही आर्किगोनियम के पास पहुँचते हैं उसी में कैनाल में गिर जाते हैं। अब ये कैनाल इतनी बड़ी क्यों है, इस कैनाल का क्या मतलब है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। मान लो ये थैलस पे आर्किगोनियम था और जो एंथ्रोजॉइट्स था वो तैरते तैरते पूरे थैलस पे तैर रहा था, और जैसे ऐसे ऐसे तैरता जाएगा तो कैनाल में गिर जाएगा, जैसे यहाँ से पास आउट करेगा तो कैनाल में अपने आप गिर नहीं जाएगा। जैसे आप जा रहे हो रोड पे, रोड पे गड्ढा होगा तो पैर पड़ जाएगा ना उसमें, तो इसी तरह से थैलस पे ही आर्किगोनियम है और थैलस पे ही वाटर में क्या तैर रहा है एंथ्रोजॉइड, वो एंथ्रोजॉइड तैरता तैरता जाएगा, जैसे ही कहीं भी आर्किगोनियम पड़ेगा तो तुरंत वो कैनाल में गिर जाएगा। और मेच्योर जो होता है, मेच्योर होने के बाद में जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन के पहले ही उसके दोनों फ्लैजिला डीजनरेट कर जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। दे फ्लोट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाएगा, द नेक कैनाल सेल्स एंड विंटर कैनाल सेल्स ऑफ द आर्किगोनियम डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस व्हिच इम्बाइब्स वाटर। मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो एग के अलावा जितनी भी सेल्स आसपास की होंगी वो सब डीजेनरेट कर जाएंगी, ठीक है, अपभ्रष्ट हो जाएंगी, और वही जाइगोट जो होगा एग और एंथ्रोजॉइट का जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वही आगे ग्रो करेगा। इन दिस वे आ फ्री पैसेज इज फॉर्म्ड फॉर द एंट्री ऑफ एंथ्रोजॉइट्स इन द आर्किगोनियम, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ म्यूसिलेज आल्सो ऊज आउट ऑफ द ओपन नेक ऑफ द आर्किगोनियम, इट कंटेन्स सर्टाइन प्रोटीन्स एंड पोटेशियम साल्ट्स। इसमें और क्या होते हैं, पोटेशियम साल्ट होते हैं। मतलब जब ये अदर सेल डीजनरेट कर जाती हैं, देखो केवल इसमें क्या बचा है, आर्किगोनियम के अंदर केवल जायगोट दिख रहा है आपको, बाकी जो आसपास की विंटर कैनाल सेल, ठीक, और नेक कैनाल सेल और जो फिलामेंट थे वो सब डीजनरेट कर गए। वही डीजनरेट जब करते हैं तो अंदर से मटेरियल वो बाहर निकलता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्टाइन प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और पोटेशियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, व्हिच अट्रैक्ट द फ्रीली स्विमिंग एंथ्रोजॉइट्स टूवार्ड्स द ओपन नेक एंड देन डायरेक्ट देम टूवार्ड्स द एग। Although many enthrozoites may enter the neck, only one of them fuses with the egg to form a diploid, zygote or oospore. Zygote को ही हम oospore भी बोलते हैं। तो ओवरऑल बात यह है, जो आर्किगोनियम होता है उसके अंदर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड एक समय में एंटर कर सकते हैं, कर जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइज सिंगल ही कर पाता है। फर्टिलाइज एग को केवल एक एंथ्रोजॉइड फर्टिलाइज करेगा, जैसे कि बहुत सारे स्पर्म मेल फीमेल, अगर हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है
ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंच जाते हैं, शुक्राणु। हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अंडाणु की परत होती है, जोना पहला सुधा, जोना कोरोना रेडियाटा होता है उसमें, ठीक है, एक कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा, ये लेयर होती हैं ओवम की, आपको पता होगा, पढ़े होंगे इससे पहले। तो कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा को केवल एक स्पर्म ही अंदर भेद पाता है। ऐसे देखो, ये अंडाणु की डबल परत होती है जोना पेलुसिडा, और बाहर इसके कोरोना रेडियाटा होता है, ठीक है, इस तरह से ओवम है मान लो, और एक स्पर्म आया, ये स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म आएंगे चारों ओर से, लेकिन इस ओवम को केवल सिंगल स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा। तो सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से ह्यूमन बेंग्स में होता है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन फ्यूज एक ही कर पाता है। कभी कभी अचानक क्या होता है कि एक से अधिक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो वहाँ पे ट्विंस होते हैं, ट्विंस बन जाते हैं, जुड़वा बच्चे आप लोग जानते होंगे, तो जुड़वा बच्चे इसी तरह से बनते हैं। जुड़वा बच्चे बनने की कई सारी कंडीशन होती हैं, जुड़वा बच्चे तब बन सकते हैं जब एक से अधिक स्पर्म फर्टिलाइज कर जाएं ओवम से, या फिर फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म के साथ हुआ, लेकिन ये जो सेल होती है, जायगोट बनेगा, उसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो दो बार हो जाए, जिससे कि उसमें डबल केंद्रक बन जाएंगे, और ये सेल्स भी, जायगोट भी डिवाइड कर जाए तो दो जायगोट बन जाएंगे, उससे ट्विंस बन जाते हैं। तो सेम यही प्रोसेस, जिस तरह का प्रोसेस इसमें हुआ है, ये सिंह पांडे जैन की है बुक। सीता लाजपूत पूछ रहे हैं सर किस राइटर की, ये सिंह पांडे जैन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें डिटेल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी आपको ये मिल जाएगा जो ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी इसमें अच्छे से। तो इसी तरह से सेम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ब्रायोफाइट्स में भी होता है। आर्किगोनियम के अंदर एंथ्रोजॉइट्स बहुत सारे अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो फर्स्ट एंथ्रोजॉइट्स होता है, अगर वो फर्टिलाइज कर गया एक सेल से, तो बाकी ऐसे केमिकल परिवर्तन हो जाते हैं उसमें, केमिकल चेंजेस हो जाते हैं कि अगला एंथ्रोजॉइड उसको फर्टिलाइज कर ही नहीं पाता है। फिर क्या होगा, ये जो जायगोट बना, जायगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें डिवीजन होंगे तो एक से दो सेल बनेंगी, फिर दो से चार सेल बनेंगी, जिसको लिखा है क्वाड्रेंट बोलते हैं, टेट्राड बोल सकते हो, फिर इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। अब एक से दो बनी, फिर दो से चार, फिर चार से आठ बनेगी, आठ से सोलह, समझ रहे हो वाली कौन सी वाली ग्रोथ है, बहुत जल्दी इसकी सेल्स बन जाती हैं इस तरह से। और ये जायगोट क्या बनाएगा, एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जनरली स्पोरोफाइट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पोरोफाइट तभी समझ में आएगा जब उससे पहले की चीज़ें पढ़ोगे। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारी सेल्स डिवाइड करती चली जाएंगी, और इसमें अलग अलग सेपरेशन हो जाएंगे, कैलिप्टरा बनेगा, ये कैप्सूल बन जाएगा, ठीक है, बीच में कैप्सूल है और नीचे सीटा भी बनता है, सीट फूट सीटा कैप्सूल, तीन चीज़ें मैंने बताई थी स्पोरोफाइट में। तो इस तरह से स्पोरोफाइट बनेगा। अब स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट पूछा जाता है, तो इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये भी काफ़ी बड़ा पार्ट है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ में आई होंगी। कल से मैं थोड़ा सा जो है फैसिलिटीज़ बढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को अच्छा दिखे, वरना मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा, ठीक, वहीं ज़्यादा सही अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि चूँकि इसमें डायग्राम ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा अगर बोर्ड पर पढ़ाऊँगा आपको तो समय काफ़ी लग जाएगा, ये डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय लग जाता है ना। अगर ये डायग्राम सभी में बनाता जितने आपको दिखा दिया हूँ, तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता, और ये चीज़ें बिना डायग्राम के समझ में नहीं आती, ठीक, तो दो तीन घंटे की लाइव क्लास हो जाती। लेकिन कुल मिला के मैं आपको कल से जो है, अगर इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है इस तरीके से, तो मैं कल से बोर्ड पे ही आपको पढ़ाऊँगा, और क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह नाम से है, जो लोग नहीं किए हैं ज्वाइन, और
वहाँ पे रोज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तीनों क्लासे लगातार चलेंगी, तब तक चलेंगी जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाएगा, और आपके एग्जाम से पहले पूरा करवा के रिवीजन क्लास भी चलाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है, अभी स्टार्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स फ्री है, कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने के लिए आज से कल से ही डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहो और उसका सोल्यूशन मुझे दिखाओ भी उसी टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो, अगली क्लास में मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा, क्योंकि डाउट का भंडार मत रखो अपने पास। जब तक डाउट सारे साथ साथ नहीं क्लियर होंगे तो दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए जितने भी डाउट हैं आपके वो सभी साथ साथ डिस्कस करते रहो, ठीक है। जो भी डाउट हैं क्वेश्चन आज मैं अभी सेंड करूंगा टेलीग्राम पे, लगभग जितने लोग लाइव हो अभी सब लोग ज्वाइन किए हुए हो टेलीग्राम, जो लोग नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं अभी उस पर सेंड कर दूंगा क्वेश्चन बहुत सारे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के। आप लोग उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, उनको हल करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका जो टॉपिक है, जो नहीं कर पा रहे हो उसका लेक्चर तुरंत देखो, फिर उसके बाद में सॉल्व करो। तब भी नहीं समझ में आ रहा तो अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी से सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे तो आप ज़रूर टॉप करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो ताकि कोई एक भी डाउट ना रहे, और डाउट रखना बहुत बेकार बात होती है, आपको पता ही होगा, सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि एक डाउट के चक्कर में जो आप पूरा टॉपिक इतनी मेहनत से पढ़ते हो उसी एक डाउट के चक्कर में पूरा ख़राब हो जाता है क्वेश्चन। तो ठीक है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, आप लोग भी आराम करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से पढ़िए। जब तक देखो, अरस्तु ने बोला था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिसका शरीर स्वस्थ होगा उसी के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होगा, समझ रहे हो, क्योंकि मस्तिष्क भी शरीर का ही भाग है। तो गुड नाइट बोल रहे हैं, शीतल राजपूत बोल रही हैं, गुड नाइट, गुड नाइट सबको, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है।